तो प्रॉपर स्विमर है। गाइज वेलकम बैक टू माई चैनल। तो आप लोग अभी निकल रहे हैं पतरातु वैली के लिए, पतरातु जा रहे हैं। चलिए आपको दिखाते हैं। मैं गई हुई हूँ पतरातु पर ब्लॉग में फर्स्ट टाइम आपके साथ इंट्रोड्यूस करूँगी। बहुत सुंदर सी जगह है, बहुत सीनिक व्यू बहुत अच्छा है। खाना वाना खा के दोपहर में भी हम लोग निकल गए पूरे फैमिली के साथ। चलिए चलते हैं। हम लोग अभी मंदिर, यहाँ रास्ते में मंदिर है तो वहाँ पे भगवान का दर्शन करने के लिए उतर गए थे। उनका दर्शन हो गया बट तो बंद है बाहर से, हमने देखा। अब जस्ट चलते हैं। पतरातु वैली जाने वक्त रास्ता बहुत ही ज़्यादा घुमावदार है, बिल्कुल स्नेक की जैसे है, इधर उधर इधर उधर। और लेकिन व्यू काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत और बहुत मज़ा आएगा, ऐसे लगेगा कि आप ऊटी में हो। वैसा व्यू नज़र आता है ऊपर से, आप देखो ऊपर से अभी दिखेगा व्यू। अभी हम लोग ऊपर है, नीचे अभी पहुँचेंगे। नीचे पहुंच के फिर आपको नीचे का भी व्यू दिखाते हैं। बीच में रास्ते में हम लोग अभी रुके हैं, आपको हम यहाँ का व्यू दिखाते हैं। यहाँ पे जैसे हम बचपन में ड्राइंग करते थे ना, पहाड़ है, नदी आ रही है और घर है, वैसा पूरा व्यू है यहाँ पे, दिखाते हैं आपको। यहाँ वाला देखो, इधर में देखो ना, ऐसे करके पूरा। और जहाँ पे अभी हम लोग रुके हैं ना, यहाँ पे लोग रुक कर फोटो क्लिक कराते हैं। ये जो रोड है ना, आप गौर से देखिए, हार्ट शेप में है। इधर एक राउंड बना हुआ है और एक उस तरफ राउंड बना हुआ है सामने की ओर। तो हम लोगों ने फोटोज वगैरह क्लिक कराए वहाँ पे। पतरातु नीचे, अब चलते हैं आगे। और यहाँ पे वाटर स्पोर्ट्स भी चालू हो गए हैं, पहले नहीं थे, अभी शुरू हो गया है। तो चलिए हम लोग भी इंजॉय करते हैं, क्या क्या करेंगे आपको आगे दिखाते हैं। इंजॉय करिए और वीडियो को देखते हुए लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा, आगे बहुत मज़ा आएगा। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिए। चलिए पहले टिकट कटाते हैं हम लोग। अंदर एंट्री फ़ी लगती है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, 20 रुपये है चार्जेस। और टाइमिंग तो शाम होते ही फिर ये बंद हो जाता है। धनवी को हमने बलून खरीदवा दिया, बलून बलून कर रही थी आते ही बलून देख करके। तो ये सामने फ्रंट से ऐसा दिखता है पतरातु लेक रिज़ॉर्ट, और अंदर में बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। गार्डनिंग वगैरह भी बहुत खूबसूरत सा किया हुआ है। और फिर इस तरफ पार्क है बच्चों का, वहाँ पे बहुत सारे राइड्स हैं, बड़ों के लिए भी हैं बहुत सारे राइड्स और बच्चों के लिए भी है। तो यहाँ पे ये सब चीज़ें शाम होते बंद हो जाती हैं 4-5 बजे के बाद, सुबह में चालू रहती है 8 बजे के बाद से चालू हो जाता है, 8-9 बजे के बाद से। यहाँ पे धनवी कैंडी देख के कैंडी मांग रही थी तो मैंने मना कर दिया, क्योंकि वो खाती नहीं है और वो लगा लेती है, उसका कलर होता है ना तो कपड़े में लग जाता है। तो अभी हम लोग चल रहे हैं इधर से, लेक का लेक व्यू थोड़ा इन्जॉय कर रहे हैं। और किस तरफ से बोट का टिकट लगेगा, हम लोग अभी स्पीड बोट या हाई स्पीड बोट में बैठ के और आइलैंड पे जाएंगे। बीच में आइलैंड है जहाँ पे जाएंगे हम लोग। तो यहाँ पे आ गए, हम लोगों को मिल गया रास्ता। यहाँ पे कौन से बोट में बैठेंगे पहले भी हम लोग ये डिसाइड करें। आप स्क्रीनशॉट लेकर के देख सकते हो किसका प्राइस क्या है। तो हम लोग किस में बैठने वाले हैं वो आपको हम लोग दिखाते हैं। यहाँ पे चार्जेस लिखे हुए, जेट स्की, पॉन्टून बोट, स्पीड बोट, हाई स्पीड बोट। तो हम लोग अभी स्पीड बोट से जाएंगे आइलैंड पे। चलिए आइलैंड आपको दिखाएंगे वहाँ पे कैसा है सब कुछ। पहली बार ही जा रही हूँ आइलैंड पे, जब मैं आई थी पिछली बार तो ये बहुत मतलब बंद रहा था और अभी बन चुका है, तो आइलैंड पे पहली बार मैं जा रही हूँ। और यहाँ पे ये लोग जोर जोर से कूद कूद कर ये जो रास्ता है ना इसको पूरा हिला रहे थे, जोर जोर से हिला रहे थे। अभी देखो ये लोग क्या करने वाले हैं। देवू जंप, 3, 2, 1 गो। अरे अरे हम लोग गिर जाएंगे भाई। ये वाली स्पीड बोट में हम लोग बैठने वाले हैं। तो हम लोग आइलैंड पे अभी पहुंच गए हैं।
आइलैंड कुछ इस टाइप का है। हम लोग अभी ये टावर के ऊपर पहुंचेंगे, जाएंगे हम लोग यहाँ पे। अब चलते हैं, थोड़ा फोटोज वगैरह क्लिक कराते हैं, घूमते हैं, आइलैंड टूर करते हैं, एक्सप्लोर करते हैं। बहुत खूबसूरत लग रहा है, बहुत मजा आ रहा है, मस्ट विजिट प्लेस है। आप इतना सुंदर व्यू है, कितना खूबसूरत लग रहा है ना, मतलब ये तो मोबाइल में देखना और सामने से देखने में और भी ज़्यादा बहुत खूबसूरत लगता है देखने में। व्यू बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। तो आप जब भी रांची आइए तो यहाँ ज़रूर आइए, और ऊपर से आपको पूरा व्यू 360 दिखाते हैं। बहुत खूबसूरत है, चारों तरफ लेक का व्यू है, बीच में आइलैंड है, बहुत सुंदर व्यू है। यहाँ पे बच्चों के लिए, छोटे छोटे बच्चों के लिए भी है, 3 इयर्स से ऊपर बच्चों के लिए खुद से बोट चला रहे हैं वो लोग, छोटे छोटे बोट है। और साइकिल टाइप का भी एक बोट है, उसमें ड्रेस पूरा गीला हो जाएगा, इसलिए हम लोग नहीं गए। और हम लोग अब ऊपर से उतर गए हैं और अब हम लोग यहाँ से निकलेंगे। तो हम लोग निकल रहे हैं वापस यहाँ से, घूम लिया हमने ये क्या आइलैंड, अब आइलैंड से हम निकल रहे हैं। बहुत मजा आया, लास्ट हमारा जो बोट राइड था बहुत मजा आ रहा था, हमने हाई स्पीड बोट मतलब लिया था, इतना मजा आया, बहुत मजा आया। और धन्नी का बलून उड़ गया, लेक में चला गया, इसके लिए इतना रोई है, इतना रोई है। अब हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से पतरातु बोट क्लब, यहाँ पे आके आप टिकट बुक करिए, वहाँ पे जाइए, जिससे हम गए थे उन्हीं से वापस आए, उन्होंने अपना नंबर दे दिया था, तो वापस आने वक्त उनको कॉल किया और वो आ गए और हमें लेके वापस यहाँ पहुँचा दिया। चलिए अब आगे चलते हैं, आगे क्या करते हैं आपको बताते हैं। टू बलून, धन्वी का बलून उड़ गया, तो वापस से धन्वी ने बलून लिया, कैंडी लिया, फिर यहाँ पे नहीं कोल्ड कॉफी है, कॉफी के लिए सब रुक गए। फिर यहाँ पे धन्वी को थोड़ा सा अंधेरा तो हो गया था, पर स्लाइड कर करके थोड़ा 2-3 बार करके इसे खुश कर दिया हम लोगों ने, क्योंकि जाते वक्त ये चाह रही थी और भीड़ थी उस वक्त वहाँ पे। ये बलून कैंडी ले ली और फिर हम लोग अभी निकल के वहाँ से थोड़ी दूर आके रांची में हाईवे पे ही है हॉट लिप्स रेस्टोरेंट एंड बार है, यहाँ पे आए हम लोग डिनर करेंगे। तो हम लोग डिनर करने के लिए यहाँ पे आ गए और हम लोगों ने चाइनीज़ ऑर्डर करा, चाइनीज़ हमें उतना पसंद नहीं आया। यहाँ का नॉनवेज अगर प्लेटर जो है वो ऑर्डर करोगे तो टेस्टी है बहुत ज़्यादा, और डिनर प्रॉपर करोगे वो टेस्टी मिलेगा। तो लेकिन हमने चाइनीज मंगाया तो हमें उतना पसंद नहीं आया, पर किसी ब्लॉग में यही पेंट करती हूँ, मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।